कॉलन में कैसे बीमारियां आती है, तो मैं चाहूंगा कि एक नया अगला स्लाइड आप लेके दिखाइए, जहां दर्शकों को पता चले कि कहाँ कहाँ ये अनडाइजेस्टेड फूड रुकता है तो हमें बीमारी कौन सी आती है। ये मैं चार पांच बीमारियां बताऊंगा। वैसे तो 71 पॉइंट्स है कॉलन में, लेकिन हम देखते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। आप बात कर रहे हैं कॉलम थेरेपी चार्ट की। हाँ, हाँ चलिए देखते हैं कॉलम थेरेपी चार्ट की ये स्लाइड, उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ जी, बोलिए। अब आप ये देखिए कि कॉलन जो है ऐसा होता है अपना, और इसके अंदर आप अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको दिखता है तो नंबर डाले हुए हैं, 71 पॉइंट्स होते हैं। 71 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एनडब्ल्यू वॉकर फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने रिसर्च किया है कि कॉलन में 71 पॉइंट्स होते हैं। उस 71 पॉइंट्स में जहां जहां कचरा रुकता है वहां वहां बीमारी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे अब जी जैसे कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज वहां नीचे रेक्टम के पास जो है कचरा रुकता है वहां जाके डायबिटीज होता है। हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं, कुछ होता नहीं है, कभी डायबिटीज मिटता नहीं है। एक नहीं मिटता क्योंकि हम मूल कारण पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर कचरा वहां से हट जाता है रेक्टम के पास से, तो आपका डायबिटीज इमीडिएटली नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमने जो है इसको अलग ही दिशा में जाते हैं, हम गोलियां खा के बस उसको मेंटेन करते हैं और जिंदगी भर दवाई के गुलाम बन जाते हैं। तो ये कारण है डायबिटीज का। अब मैं आगे और भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे है, ऊपर भी अगर जाओगे तो हार्ट के पॉइंट्स है। ऐसे 71 पॉइंट्स है, जहां जहां कचरा रुकेगा उस जगह से आपको जो है बीमारी आएगी। आपके हार्ट का थायराइड है, वहां रुका तो थायराइड आ जाएगा। ऐसे कुछ हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, तो जहां जहां ये है उसी के कारण ये बीमारियां आती है। तो ये बीमारियों का मेन कारण क्या है कि हम जहां जहां अब कचरा आके रुक जाएगा उस पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि हर पॉइंट जो है ना अपने शरीर के एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जहां कचरा रुकता है उस पार्ट को डैमेज करता है, तो That's इसलिए good. बीमारियां अलग अलग होती है। तो इसका क्या कारण है कि अगर हम ये कोलन को साफ कर ले पूरी तरह तो हमें कोई बीमारी आनी नहीं है। तो यही इसका कारण है कि हमको इसको साफ करना है, बहुत बहुत जरूरी है। ये सफाई भी क्या है, आप शरीर को साफ करते हो, स्नान करते हो, हाँ हम मन को भी कुछ कुछ सत्संग के द्वारा साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अंदर की सफाई कभी नहीं करते हैं। और यही कारण है हम बीमार रहते हैं, हम तकलीफ में रहते हैं, सब कुछ दर्द होते हैं, हड्डियों आर्थराइटिस होता है, बीमारियां आती है, हर चीज का कारण ही ये है अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसको जस हमको साफ करना है, तो ये क्या करें कैसे करें ये हम जो है चौथा स्टेप आज दिखाएंगे आपको, जी जिसका तो इसके लिए हमारे चौहान साहब ने संजीवनी क्रिया नाम दिया है एनडीएस में। संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। एनिमा सब लेडीज़ को पता होगा, डिलीवरी के पहले जो है सभी लेडीज़ ने लिया होगा, अगर किसी को नहीं पता तो हम यहाँ बता ही देंगे डेमो। अब ये जो एनिमा है इसी के द्वारा वो जितना कचरा अंदर कॉलन में रुका हुआ है वो सब निकालना है आपको। इसमें माइंड ब्लॉक बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि सभी का माइंड ब्लॉक यहाँ पे आता है एनिमा में। क्योंकि एनिमा हमको लगता है यार ये क्या है, मैं भी ऐसे ही सोचा था आप जैसे ही, मैं बोला यार ये नहीं जम रहा। लेकिन जब आप करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे जो एनिमा कर सकती है और कोई दवाई नहीं कर पाएगी। गुजराती में एनी यानी उसकी माँ, हम बोलते ये हमारी माँ है, इतना संभालती है आपको। आप कभी एक बार एक अनुभव करना, उसके बगैर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो एनीमा क्या है पहले ये जानते हैं हम, तो एक डेमो लेते हैं हम, क्योंकि एनीमा किट बताएंगे और आज सभी को एनीमा किट फ्री दिया जाएगा।
ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं सभी लोग इसका इस्तेमाल करें, इसके बिना आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो पुरानी गंदगी निकलेगी नहीं, आप 1000 दवाई खा लो कोई बीमारी जानी नहीं है आपकी। अगर आपको स्वस्थ होना है तो पुराना कचरा हटाना ही पड़ेगा। ये एनिमा कब लेना होता है? सुबह नेचुरल कॉल के बाद। अब आप लोग बोलेंगे नेचुरल कॉल के बाद क्या बाहर आएगा, अब तो पूरा कचरा बाहर आ चुका है। आप हैरान हो जाओगे जब एनिमा यूज़ करोगे तो इतना कचरा बाहर आएगा, क्योंकि कॉलन की साइज लगभग अपने हाइट जितनी होती है, 7.5 किलो वेस्ट अंदर रुक सकता है, और हम क्या एलिमिनेट करते हैं वो हमें मालूम है। तो सुबह आप नेचुरल कॉल के बाद फर्स्ट टाइम एनिमा लेना है, 1.5 लीटर होता है। क्या होता है मैं पूरा आपको डेमो बताता हूँ ताकि आपको पता चले। ये 1.5 लीटर का डब्बा है, इसमें सिर्फ पानी आता है, नॉर्मल पानी, कोई दवाई नहीं है, कोई कॉफ़ी नहीं है, जैसा आप सुनते आए एनिमा कॉफ़ी वाला, ये वो कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल नल का पानी और कुछ भी नहीं। अब ये जो है टॉयलेट के 4 फीट ऊपर लगाना है आपको, ठीक है, और ये जो है ना नोज़ल, इसको जो है गुदा द्वार यानि रेक्टम में जाना चाहिए, अंदर जाएगा ये टॉयलेट की जगह पे ये जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये इसका कॉक होता है, लॉक जो है इसको खोलना है, जैसे आप खोलोगे तो ये पानी जो है कोलन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। वैसे तो खाली होने में 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन हकीकत में इतना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा लगेगा। काफ़ी स्पीड से जाता है। इससे क्या होता है, जितना अपना कचरा अंदर चिपका होगा ना, धीरे धीरे वो सब बाहर आना शुरू होगा। जैसे बाहर आएगा आपके अंदर जो शक्ति आएगी या जो ऊर्जा मिलेगी वो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आज की तारीख में हम सब चलते फिरते हैं तो समझते हैं कि बहुत हेल्दी है हम लोग, बिल्कुल नहीं है। आप लोग एक बार जब ये पूरा कोलन साफ होने के बाद आप अपना हेल्थ महसूस करो, जो हेल्थ आपको दिखेगा आपने आज तक आपकी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया होगा। इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी कि थकान क्या है भूल जाओगे, जैसा मैं भूल गया हूँ आज की तारीख में। मैं 20-25 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ बगैर कोई थकान के, ना मुझे ऐसे 16 घंटे भी खड़ जाऊँ मुझे थकान नहीं लगती है, थकान ही नहीं है बिल्कुल। ये मिरेकल जो है NDS के कारण हुआ, और उसमें एनिमा का बहुत ही बड़ा हाथ है। अब देखो टोटल 3 मिनट में पूरा खाली हो गया। अब क्या होता है हम लोग जब डालते हैं इसको अंदर, तो शुरू में क्या होगा, 300-400 ml भी जाएगा या 200 ml में भी किसी को प्रेशर आएगा। प्रेशर आते ही इसको लॉक कर देना, निकाल देना है, टॉयलेट पे बैठ के फ्लश आउट कर देना है, फिर से स्टार्ट करना है। जब तक ये पूरा पानी ख़त्म नहीं होता उतने बार आपको लेते ही रहना है इसको, चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, या 1 बार में भी हो गए तो होने दो, जो होता है होने दो। दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ाना है, अरे तेरे को पानी निकला मेरे को नहीं निकला, वो कंपेरिजन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग है, खान पीन अलग है, तो कंपेरिजन में नहीं जा, रहे तेरा क्या हुआ आज मत पूछो, ये फ़ोन कॉल करना नहीं। जो होता है उसको बस एक्सेप्ट करो और ब्लाइंड फेथ के साथ आगे बढ़ो। तो क्या होगा, कब कब क्या होता है, कुछ भी सिर्फ पानी ही आता है कई लोग को, अरे रोहित भाई मेरे तो कुछ है ही नहीं, साफ है। अरे भाई साफ नहीं, सबसे ज्यादा है तेरे पास,
ज्यादा कैसे होता है? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग अंदर चिपक गया है कि उसको टूटने में देर लगती है, इसलिए तब पानी बाहर आ जाता है। लेकिन लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि मेरा तो कॉलोनी क्लीन है, मुझे कोई चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें करनी है, और इसको जो है दो बार करना जरूरी है। अब सुबह करते हैं, सबने देख लिया बरोबर, इधर से भी इधर आ जाओ एक बार, ये भी देख लो, सब लोग को दिखा दो, क्योंकि ये शस्त्र के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। तो कोई भी माइंड ब्लॉक मत रखो इसके लिए, ये करना बहुत बहुत जरूरी है। सबको ये किट दिया जाएगा आज, और आज जो है सैटरडे है, रात में शुरू हो जाना तो क्या होगा, संडे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और मंडे का ऑफिस के टाइम खोटी नहीं होगा आपका, ठीक है? आप अभी इसको मस्ती समझ के हंस रहे हो, बाद में आप खुशी से हंसोगे, ये भी याद रख लेना। तो हाउ मच टू टेक मैंने बता दिया, 1.5 लीटर पूरा खाली करना है। जब तक वो खाली नहीं होता आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है? 1.5 लीटर जब खाली होता है तो 1 एनिमा प्रोसेस इज फिनिश्ड। तो हाउ मच टू टेक हो गया, ओनली नॉर्मल वाटर, नो मेडिसिन यूज, लेकिन 2 बार लेना है एनिमा एवरी डे शुरू में, क्योंकि खाया भी तो इतना है ना, तो एक में कहाँ निकलेगा। तो शुरू में खाया आपने, सुबह जैसे हमने एनिमा लिया तो क्या होता है, जो भी जमा हुआ रहेगा वो सब जो है वेट हो जाएगा, नरम पड़ने लगेगा कचरा आपका पुराना। फिर उसको रात में करने से टूटने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए 2 बार करना जरूरी है। कई लोग बोलते रोहित भाई टाइम ही नहीं था, एक बार कर लिया, कोई बात नहीं, 2 महीने का 4 महीना लगेगा आपको और क्या, क्योंकि टूटेगा नहीं जब तक आप परेशान रहोगे। टाइम आप अपने लिए दे रहे हो, मेरे लिए नहीं दे रहे हो, ये याद रखना। डॉक्टर के पास जाते हो 1-1 घंटा तो लाइन में खड़के आ जाते हो, दवाई लेके आते हो, कुछ होता नहीं फिर भी खा लेते हो, ठीक है ना? तो फिर इधर 1-15 मिनट नहीं दे सकते अपने लिए? और जो आपको फर्क दिखेगा आप जिंदगी भर मुझे नहीं भूल पाओगे, मुझे तो क्या एनिमा किट को नहीं भूल पाओगे। तो ये आपको करना है। अब इसमें क्या होता है, कब कब जो है इंसर्ट करने में मुश्किल होता है, क्यों होता है? क्योंकि मेंटल ब्लॉक होता है हमारे पास, मेंटली वी आर नॉट रेडी फॉर एनिमा, बट वी आर ट्राइंग टू डू बिकॉज हमने बोला है, तो सब कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से दिल से नहीं करते हैं, तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो नोजल या ट्यूब अंदर जाएगी नहीं। तो आप ऑयल, वैसलीन या कुछ भी लुब्रिकेशन यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी एक टेक्निक अनुभव के आधार पे बताओ तो आप अपना मुंह खोल देना और मुंह से सांस लेना, उससे क्या होगा, सांस लेने से आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और ट्यूब बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी। पोजीशन ऑफ एनिमा बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल मैं समझा दूँ जो कि हर सेमिनार में मैंने दिया है, लेकिन इतना अद्भुत मैंने देखा हुआ है ये एग्जाम्पल, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि क्या अंदर कितने हद तक सामान पड़ा हुआ रहता है अपना। मैं कैंप में गया था, जब चौहान जी के कैंप पे गया था तो वहाँ 1-13 साल की लड़की आई थी, उसके माता पिता आए थे, सब थे। लड़की थोड़ी वजन ज़्यादा ही था उसका, तो माँ बाप ने कहा चलो इसको एनिमा दे देते, तो उसको एनिमा दे देते। अब वो एनिमा देते ही वो लड़की बोलती है, अरे डैडी ये तो मैंने 21 नवंबर को पिज़्ज़ा खाया, वो टुकड़ा बाहर आया, और ये डेट क्या थी, January 6th। 45 डेज होते, कितने होते गिन लो आप। अब सोचो 45 दिन अगर अंदर कुछ पड़ा हुआ है और वो अब बाहर आ रहा है, तो अंदर खाली पड़ा रह के कितनी गंध अंदर मचा दी होगी। टेबल पे एक पीस रख दो आप पिज़्ज़ा का,
तीन दिन छोड़ दो तो पागल हो जाओ, वहाँ बैठ नहीं पाओगे आप, बराबर है। तो अंदर क्योंकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे कई पिज्जा हमारे अंदर पड़े हुए हैं, मैंने भी खाए हैं आपके जैसे, आज की तारीख में नहीं है, लेकिन आपके साथ मैंने भी बहुत ये सब किया है जो आप लोग ने किया है। मैं आपकी कुर्सियों पे ही था अब तक, लेकिन अब ऊपर वाले ने कुछ अक्ल दे दी तो सुधर गया हूँ। तो 45 डेज के बाद वो निकला है। तो मेरा बोलने का क्या है कि ऐसी कई चीज़ें जो अंदर रुक जाती है, वो रुकने से ही बीमारी होती है, और जितना ज़्यादा रुकता है वो कैंसर तक लेके जाएगा आपको। कैंसर है, कहाँ से हो रहा है कैंसर? क्योंकि ये पुराना टॉक्सिन रुका हुआ है सालों से, महीनों से, वो जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है आपकी वो पार्ट को जो है नाबूद कर देता है। तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक ही तरह से हटा सकते हो, एनीमा, और कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। होता तो मैं भी नहीं करता, लेकिन बहुत आसान है। हमारे चौहान साहब तो बहुत अच्छे से बताते हो, बोले आप रोज ब्रश करते हो, जैसा मुंह साफ करते हो, स्नान करते हो, बस उसी तरह अंदर की सफाई करना है, और क्या काम है इसमें। तो एक बार दो दिन आपको एडजस्ट होने में लगेगा, उसके बाद इट बिकम सो इजी एंड नॉर्मल, और जैसा आपको रिजल्ट देखेगा इट विल मोटिवेट यू एवरी डे, क्योंकि एवरी एनिमा इज गोइंग टू मेक यू फील बेटर एंड बेटर, ये एक्सपीरियंस से समझ आएगी। और आज मैं जो हेल्थ की बात कर रहा हूँ आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो बात आप अनुभव से समझ पाओगे। मेरे वर्ड्स जो है अनुभव में जब लाओगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है ये। पोजीशन ऑफ एनिमा ले लेते हैं, सिंपल, ऐसा ऊपर टांगना है उसको, लगा के रखते रहे, लेट के भी ले सकते हैं, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आप अपने आप सब समझ जाओगे, लेकिन टू स्टार्ट विथ सिंपल रखते हैं, खड़े खड़े भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दीज आर द एनिमा पोजिशंस। अब एक एनिमा का वीडियो देख लेते हैं कि इसका फायदा क्या है। न्यू डाइट सिस्टम में हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सफाई का। सफाई के लिए तीन माध्यम का हम उपयोग करते हैं, फास्टिंग, क्लिनजिंग जूस और संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। इन तीनों में सभी का रोल अपनी अपनी जगह बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अनुभव बताता है कि सबसे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव है तो वो है संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। इससे बड़ी आंत की इंस्टेंट सफाई होती है और तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि बहुत लोगों के डायबिटीज़, बीपी आदि रोग केवल एनिमा लेने से कुछ ही दिन में ठीक हो गए हैं और उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं, और जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब ये मरीज बचने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 घंटे का मेहमान है, ऐसे केसेस में भी हमने संजीवनी का प्रयोग किया और हमने देखा कि मरीज के बड़ी आंत में से बहुत गंदा मल निकलता है और कुछ ही दिन में मरीज ठीक हो जाता है। जो 2 या 5 घंटे का मेहमान था अब वो सालों तक अच्छी तरह से अपना जीवन बिताता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमा। हाउ टू यूज़ एनिमा, एनिमा का प्रयोग कैसे करना है। एनिमा के प्रयोग के लिए अनेक प्रकार के साधन आते हैं, पंप, रबर बैग, लेकिन परमानेंट यूज़ के लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा आता है 1 से 1.5 लीटर का, उसका प्रयोग करें। इस डिब्बे को बाथरूम में ज़मीन से 5 फीट ऊपर रखना है। अब इसमें सादा पानी जो नल में आता है वो डालना है। हमें इसमें कोई मेडिसिन नहीं डालनी है, केवल सादा पानी। अब इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट, उस पे बैठ के एनिमा के डिब्बे में जो 6 फीट लंबी ट्यूब है उसमें अटैच नल को खोल लेंगे ताकि हवा निकल जाए। अब नल से अटैच कैथेटर को 3 इंच तक मल द्वार में इंसर्ट कर देना है। इससे पानी बड़ी आंत में चढ़ने लगेगा।
यदि पानी को हम रोक सकते हैं तो भी ठीक है, और ना रोक सके तो भी कोई बात नहीं। रुका हुआ पानी मल को पिघलाने में मदद करता है। थोड़ी देर में बड़ी आंत इस पे दबाव डालेगी और पानी तेजी से निकल जाएगा और साथ ही में मल निकलना शुरू हो जाएगा। एनीमा को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी जब सुविधा हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोसेस से बॉडी क्लिंजिंग होती है। एनीमा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। एनीमा हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेकारक है, चाहे व्यक्ति रोगी हो या निरोगी। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एनीमा। एनीमा का प्रयोग करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और भी अन्य फायदे हैं जो प्रयोग करने से पता चलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक रहा होगा। तो एनीमा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई भी इसमें संकोच करे बिना आप कर सकते हैं। कई साधक को मैंने देखा है 7-7 साल तक करते हुए कभी कुछ हुआ नहीं उसको, और कई लोग ने 3 महीने के बाद छोड़ भी दिया है। ये पूरा जिंदगी भर नहीं करना है, सिर्फ कम से कम 1 से 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, आप में क्या बीमारी है उसके ऊपर आधारित है। तो 1 से 3 महीने के अंदर आपको करना है, 2 बार करना है, सुबह 1 बार नेचुरल कॉल के बाद और सेकेंड टाइम जो है आफ्टर, मतलब बिफोर गोइंग टू बेड या बिफोर डिनर भी कर सकते हैं, तो जैसी आपकी सुविधा, लेकिन 2 बार कंपलसरी करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। इसमें माइंड ब्लॉक बिल्कुल मत रखिएगा, ये कर लो पूरे पुराने कपड़े आपके वापस आ जाएंगे। शरीर कब कब हम सोचते कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज से भी, जिम जाते हैं, अरे यार कितना भी गए 1 किलो भी उतर रहा नहीं, क्यों? क्योंकि टॉक्सिन जमा हुआ है, सूखा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा आपका वजन भी नहीं उतरेगा। वजन है उसी के कारण है। तो सभी लोग ये ध्यान में रखो कि ये करे बिना आपका कोई बीमारी जानी नहीं है। कितनी भी दवाई कर लो, ऑपरेशन कर लो, जब तक एनीमा यूज़ नहीं करोगे पुराना कचरा निकलेगा नहीं, और जब तक निकलेगा नहीं आपको रिजल्ट मिलना नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, पुराना आप एनीमा से निकाल रहे हैं, नया बन नहीं रहा है क्योंकि डाइट आपने चेंज कर दिया है, तो फ्यूचर में बन नहीं रहा है और पुराना निकल जा रहा है। तो दोनों बाजू से आप जो है प्रॉपर स्टेप ले रहे हैं तो दोनों बाजू से उसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। जैसे मैंने देखी है वीडियो और आप अभी भी आपको देख रहा हूँ, पहले तो ये बताइए।